नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थियों की आई बाढ़, एक ही कॉलेज से 22 मुन्ना भाई हुए गिरफ्तार। दहेज लोभियों ने नवविवाहिता की पीट पीट कर की हत्या, मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर लगाया हत्या का आरोप, पति गिरफ्तार। गुमनाम चिट्ठी की जांच करने 3 सदस्य कमेटी पहुंची मुरारका कॉलेज, प्राचार्य ने कहा परेशान करने की रची जा रही है साजिश। अवैध संबंध का विरोध करना महिला को पड़ा महंगा, पति और जेठानी ने मिलकर की हत्या, परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। और ट्रक और हाईवा के बीच भीषण टक्कर में चालक की हुई मौत, नौगछा NH31 पर हुआ हादसा। अब खबरें विस्तार से। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में भागलपुर के एक कॉलेज से 23 मुन्ना भाई एक साथ पकड़े गए। सभी छात्र सुरक्षा के चक्रव्यूह को भेद कर डमी परीक्षार्थी के रूप में दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन TNB कॉलेज में शिक्षकों की पैनी नजर से वे बच नहीं पाए और पहली ही पाली की परीक्षा में आज 10 जबकि दूसरी पाली में 13 फर्जी छात्रों को दूसरे के बदले परीक्षा देते रंगे हाथ पकड़ लिया गया। इस दौरान एक छात्र चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पकड़ाए गए सभी छात्र अलग अलग कमरे से मिले हैं। दरअसल परीक्षा के दौरान जब वीक्षक ने उपस्थिति लेनी शुरू की तो कई छात्रों का हस्ताक्षर तो कई का फोटो मेल नहीं खा रहा था। इस पर उनसे पूछताछ शुरू हुई तो वो लोग गोल मटोल जवाब देने लगे। इसके बाद उनकी बारीकी से जांच की गई, साथ ही पिता का नाम भी पूछा गया तो मुन्ना भाई सटीक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद परीक्षा ड्यूटी में लगे शिक्षकों का शक और भी बढ़ता गया। इधर पकड़ाए छात्र ताड़र कॉलेज और AK गोपालन इंटर कॉलेज के बताए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ TV इसकी पुष्टि नहीं करता है। बता दें TNB कॉलेज में पकड़े गए फर्जी छात्रों में अभिषेक कुमार, अमन कुमार, आशीष कुमार, संजीत कुमार, संदीप कुमार, अभिषेक कुमार, सोनू कुमार, गगन कुमार, राकेश कुमार समेत कई छात्र शामिल हैं। वहीं कॉलेज प्रशासन ने इसकी सूचना विश्वविद्यालय चौकी इंचार्ज श्रीकांत चौहान को दी और सभी लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल विश्वविद्यालय थाना की पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, साथ ही उनके नाम और पता का सत्यापन भी किया जा रहा है। वहीं पकड़े गए कुछ छात्रों ने बताया कि दूसरे के बदले परीक्षा देने के लिए 10,000 रुपये में डील हुआ था और 2 से 3,000 रुपये उन्हें एडवांस में मिल चुके थे, साथ ही शेष पैसे परीक्षा समाप्त होने के बाद दिए जाने थे। लेकर भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में सघन जांच चल रही है और जो भी कदाचार करते पकड़े जाएंगे उन पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। कॉलेज में जो बच्चों की गिरफ्तारी हुई है वो बच्चे किसी दूसरे छात्र की जगह पे दूसरे छात्र एग्जामिनेशन दे रहे थे और हम लोग की चूँकि जाँच सघन चल रही है इस वजह से डमी कैंडिडेट के रूप में जो छात्र एग्जामिनेशन देने आए थे वो के सारे पकड़े गए। सूत्रों से वो ऐसे कि तारर कॉलेज जो शनौला प्रखंड में है उनके बच्चे थे। पीरपैंती बाराहाट के खुटाहाचक निवासी विजय ताती ने अपनी 18 वर्षीय पत्नी मनीषा कुमारी की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी देते हुए मृतका के भाई अजय कुमार ताती ने बताया कि लगभग एक वर्ष पूर्व गांव मेहरामा के खुटाहा चक में विजय ताती से उसकी बहन की शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद से ही वह मनीषा से मारपीट करने लगा। इसी को लेकर मनीषा और उसका पति कुछ समय से उनके साथ उनके घर पर ही रह रहे थे। इधर बीते मंगलवार आरोपी पति विजय ताती मनीषा को इलाज के बहाने ससुराल खुटाहा चक ले गया और वहां उसकी हत्या कर दी। वही मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी से 2 लाख रुपए या फ्रिज और टेम्पो की मांग करता था और दहेज नहीं देने पर ससुराल वालों द्वारा साजिश कर बहन की हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी ईशीपुर थाना को मिलते ही अध्यक्ष अनिल कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही मुख्य आरोपी मृतका के पति विजय ताती को गिरफ्तार कर लिया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलपति का सिलसिला शुरू होने के बाद विश्वविद्यालय की बागडोर राजभवन शिफ्ट हो गई। यूं कहें कि अब विश्वविद्यालय की लगभग हर बड़ी गतिविधि पर राजभवन नजर रख रहा है। मामला चाहे कॉलेज की जांच का हो या पोर्टल से खरीदारी या परीक्षाओं के संचालन का,
सभी मामलों में राजभवन को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। एक तरफ इससे यूनिवर्सिटी के कामकाज में गति आई है तो दूसरी तरफ विश्वविद्यालय की कार्यशैली पर सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर राजभवन को दखल बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। ताजा मामला सुल्तानगंज मुरारका कॉलेज से जुड़ा है, जहां कुछ दिन पूर्व कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अमरकांत सिंह के खिलाफ किसी ने राजभवन में कंप्लेन किया था। वहीं शिकायतकर्ता के आवेदन पर राजभवन ने संज्ञान लेते हुए TMU प्रशासन को जांच का आदेश दे दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्य कमेटी गठित की। वहीं आज कमेटी के संयोजक डॉक्टर चंद्रप्रकाश सिंह, सदस्य डॉक्टर अवधेश झा और डॉक्टर राजेश तिवारी मुरारका कॉलेज पहुंचे और प्राचार्य डॉक्टर अमरकांत सिंह से पूछताछ की। करीब आधे घंटे की जांच में कमेटी ने कई दस्तावेज को खंगाला। बताया जा रहा है कि मामले से जुड़े कुछ कागजात को जांच के लिए कमेटी के सदस्य अपने साथ ले गए। मुरारका कॉलेज में ही हो रहे जांच के समय सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल भी मौजूद थे। वहीं प्राचार्य डॉक्टर अमरकांत सिंह से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि किसी गुमनाम चिट्ठी की जांच करने TMBU के अधिकारी आए थे। इधर 3 सदस्य कमेटी से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने नो कमेंट कहते हुए अपना पलड़ा झाड़ लिया। साथ ही बताया कि जांच रिपोर्ट जल्द ही प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी को सौंप दिया जाएगा। पति पत्नी और वो वाली कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी और इसका घातक अंजाम भी जरूर देखा होगा। कुछ इसी तरह की घटना बुधवार को भागलपुर के नौगछिया थाना क्षेत्र के पकरा गांव में घटित हुई, जहां एक महिला मानो देवी को अपने पति और भाभी के प्रेम प्रसंग के बीच आना भारी पड़ गया। दरअसल नौगछिया पकरा गांव निवासी मनोज महतो की पत्नी पूजा देवी ने नौगछिया थाना में आवेदन देकर पड़ोस में ही रहने वाली अपनी बहन मानो देवी की हत्या उसके पति और भाभी द्वारा किए जाने का आरोप लगाया है। दिए गए आवेदन में मृतका मानो देवी के पति मिंटू रॉय और उसकी भाभी के बीच प्रेम प्रसंग चलने की बात कही गई है, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद भी होता रहता था। मामले को लेकर पूजा देवी ने बताया कि बुधवार के अहले सुबह उसकी बहन मानो देवी के घर से मारपीट और शोर शराबे सुनाई देने पर जैसे ही वो बहन के घर पहुंची तो देखा मानो देवी से उसका पति मिंटू रॉय और भाभी मारपीट कर रहे थे। इसके बाद जब घायल अवस्था में जख्मी महिला को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतका की बहन पूजा देवी ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी बहन के हत्यारे को सख्त सजा दिलाए जाने की मांग की। घटना दोनों में इसका गोतनी दोनों दुल्हन दोनों फंसा हुआ देवर और भाभी जुटल तो बस एक तलक में दोनों मारिए। खरीक थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाबा ट्रांसपोर्ट के पास ट्रक और हाईवा के बीच सीधी टक्कर में हाईवा चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुजफ्फरपुर के चकबरकुरवा निवासी 35 वर्ष गोपाल चौधरी के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार घटना के बाद चालक का शव हाईवा में बुरी तरह से फंस गया था, जिसे पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला। इधर खरीक पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया और मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ भागलपुर गोप गुट की ओर से बुधवार को समाहरणालय परिसर में सरकार के आदेश के प्रति जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि बिहार सरकार ने 50 वर्ष से ऊपर वाले कर्मी को समीक्षा के नाम पर जबरन सेवानिवृत्ति का आदेश दिया है, जबकि अनुबंध पर कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को 1 माह के नोटिस पर सेवा से मुक्त करने का आदेश दिया गया है। इसी को लेकर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी, अनुबंध कर्मी और शिक्षक एकजुट होकर सरकार के आदेश का प्रतिकार प्रति जलाकर कर रहे हैं। साथ ही कहा कि जब तक आदेश वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ऐसे आदेशों का विरोध जारी रहेगा। वहीं महासंघ गोपगुट के जिला सचिव श्यामनंद सिंह ने कहा कि सरकार के द्वारा लागू किए गए इस काला कानून से कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बढ़ गया है और प्रतिकार को सरकार नहीं समझेगी तो महासंघ इसके खिलाफ आगे उग्र आंदोलन करेगी। साथ ही सरकार पर कर्मचारियों के प्रति तानाशाही रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। महासंघ गोपगुट के द्वारा सरकार के संकल्प संख्या 28/29/2020 को जो आदेश पारित हुआ है, उस आदेश का आज जिला पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष जलाकर प्रतिकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार का जो उक्त आदेश है
वह तानाशाही है, काला कानून है। इस कानून से पदाधिकारियों का मनमानापन बढ़ेगा और कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बढ़ेगा, कर्मचारियों का शोषण होगा, उनका अनावश्यक रूप से जो है भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति में जो है बढ़ावा होगा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक फोर लेन रोड के बनने की आस तेज हो गई है। आज पीरपैंती प्रखंड में पड़ने वाले विभिन्न मौजों की जमीनों के किस्मों का सर्वे करने भागलपुर डीडीसी सुनील कुमार, एडीएम राजेश राजा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी सुधीर कुमार समेत कई पदाधिकारी पीरपैंती पहुंचे। अधिकारियों द्वारा पीरपैंती प्रखंड में बनने वाले फोर लेन के लिए जमीनों के किस्म का अवलोकन किया गया। इस दौरान सभी पदाधिकारी पीरपैंती प्रखंड कार्यालय भी पहुंचे, जहां अंचल कार्यालय में जरूरी दस्तावेजों का अवलोकन किया और कुछ जरूरी दिशा निर्देश अंचलाधिकारी को दिए। एडीएम राजेश झा राजा ने कहा कि अब जल्द ही एनएच के रायतों का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि 3G का प्रकाशन हो चुका है और अब भुगतान ही बाकी है। वहीं रायतों को भुगतान किस रेट से करना है, इसके लिए जमीन के किस्मों का अवलोकन किया जा रहा है। ये मूल रूप से हम लोग आए हुए हैं जो NH-80 है, उस NH-80 का जो जमीन है, जमीन के किस्म का वेरिफिकेशन करने के लिए 6-man committee है। 6-man committee के द्वारा जांच किया जाना है और उसी जांच के आलोक में उन लोगों को भुगतान होगा। क्योंकि यहाँ पर सुल्तानगंज, नाथनगर, सबौर, गौराडी, फिर आपको पीरपैंती और कहलगांव, ये अंचल NH-80 के तहत आते हैं। तो उन सब अंचलों में सारी प्रक्रिया हो चुकी है और 3G का भी प्रकाशन हो गया है। 3G के बाद सीधे रैयतों को भुगतान होता है। नौगछिया प्रखंड मुख्यालय परिसर में भाकपा माले की ओर से विभिन्न मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान कोसी नदी कटाव के स्थायी निदान, भूमिहीनों को 5 decimal भूमि देने, कटाव विस्थापितों को पुनर्वास, मनरेगा मजदूर को काम का सही दाम दिए जाने के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं में मची लूट पर रोक लगाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मार्च का नेतृत्व भाकपा माले के प्रखंड सचिव रामदेव सिंह और निरंजन भारती ने किया। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सकुचा, बिंदोटोली, जोनिया वैसी और कंचनपुर में कोसी के कहर से गांव का अस्तित्व खतरे में है और सरकार कटाव निरोधी कार्य के नाम पर खाना पूर्ति कर रही है। ये नौगछिया प्रखंड के विभिन्न समस्याओं को लेकर के है। मुख्य है कि गरीबों के संबंधित जितनी योजनाएं, चाहे वो मनरेगा का सवाल हो या फिर राशन कार्ड का सवाल हो, राशन का भी कुछ सवाल हो या फिर कटाव का सवाल हो, इन सवालों को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग प्रशासन को ये कहने आए हैं कि आप अपनी व्यवस्था को दुरुस्त कर लीजिए, अन्यथा आने वाले दिनों में, हमने तो अभी कहा है कि आने वाले दिनों में हम यहाँ आएंगे, जरूर आए हैं जरूर, लेकिन हम ले जाएंगे आपको गाँव में। नौगछिया SP सुशांत कुमार सरोज और अनुमंडल पदाधिकारी इंजीनियर अखिलेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस द्वारा मार्च पास्ट किया गया। दरअसल बीते मंगलवार देर शाम नौगछिया बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए ये मार्च पास्ट किया गया था। इस दौरान SP सुशांत कुमार सरोज ने वैशाली चौक से नौगछिया स्टेशन तक बैठे सभी सब्जी विक्रेताओं को सब्जी मंडी के निर्धारित जगह पर जाने का निर्देश दिया। वहीं SP ने कहा कि वह अभी सड़क खाली करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं और अगर उनकी बात अनुरोध करने से नहीं मानी गई तो मजबूरन उन्हें बल का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही कहा कि सभी विक्रेताओं को 10 दिनों के अंदर नई जगह शिफ्ट कराया जाएगा। नौगछिया SP ने अतिक्रमण हटाने के बाद यातायात को लेकर
की गई प्लानिंग बताते हुए कहा कि शहर में वन वे ट्रैफिक भी लागू करेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप करें, पहले जो ये मुख्य सड़क है उसको पहले देखते हैं, इसको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे आम पब्लिक की सहायता से, हम लोग फिर जो गली उली उसको। बांका जिले के फुली डूमर थाना क्षेत्र के डोमो गांव के समीप बाइक और गैस गाड़ी की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई जबकि पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं मामले को लेकर परिजनों ने बताया कि कुमारपुर गांव के 16 वर्ष आकाश कुमार और उसका 18 वर्ष चचेरा भाई गुलशन कुमार बाइक से डोमो जा रहा था। उसी दौरान सामने से आ रही गैस सिलेंडर भरी गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई जिसमें दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे को देख मौके पर मौजूद कुमारपुर सेंट्रल बैंक के मैनेजर सूरज कुमार ने घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने आकाश कुमार को मृत घोषित कर दिया और एक अन्य घायल गुलशन का प्राथमिक इलाज कर बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। वही घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। वही युवक की मौत से परिजन शोक में है। तो एक लड़का कोई लाने के लिए गया हुआ था, तो उसी को लेके आते समय ये डोमो के तरफ से कुमारपुर की ओर आता एक इंडियन गैस एजेंसी का जो है ट्रक जो आ रहा था सामने से आ रहा था, बस दोनों एक ही दिशा में चला। क्या चीज से था ये लोग? बाइक से। भागलपुर के पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नगर कोठी में उच्च शिक्षा में शोध और नवीन प्रवृत्तियां विषय पर दो दिवसीय राष्ट्र सेमिनार का आयोजन शुक्रवार को किया जाएगा। पूरनमल बाजोरिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले राष्ट्र सेमिनार का उद्घाटन TMBU के प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, मॉस्को से आए संजय कुमार राजहंस, विद्या भारती के राष्ट्र संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र, क्षेत्रीय संगठन मंत्री ख्याली राम और प्रदेश सचिव प्रकाश चंद्र जायसवाल करेंगे। वहीं सेमिनार को लेकर प्रचार्य डॉक्टर अजीत कुमार पांडे ने कहा कि सेमिनार की तैयारी कर ली गई है और इसमें अधिक संख्या में शामिल होकर शिक्षक और छात्र लाभ ले सकते हैं। साथ ही कहा कि इस महाविद्यालय में केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि सभ्यता संस्कृति की भी जानकारी दी जाती है। पूरनमल बाजोरिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज नरगा कोठी चंपा नगर में राष्ट्रीय सेमिनार 5 और 6 फरवरी को होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय कुलपति संजय कुमार चौधरी एवं संजय कुमार राजहंस मॉस्को से जो आ रहे हैं उनके द्वारा होना तय है, जिसमें हमारे विद्या भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र जी एवं क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय ख्याली राम जी एवं प्रदेश सचिव प्रकाश चंद्र जायसवाल जी उपस्थित रहेंगे। अतः आप सभी से आग्रह है कि सभी लोग इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग पहुंच करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं एवं लाभ लें। बांका जिले के मंदार वन विभाग की रतनसार पहाड़ी क्षेत्र की घेराबंदी के लिए खुदाई का काम पिछले 10 दिनों से जारी है। वहीं आदिवासी गांव रतनसार के लोगों ने खेती के जमीन की घेराबंदी का विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते आदिवासी समाज के लोग काफी उग्र हो गए और पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन करते हुए ढोल नगाड़ा बजाकर वन विभाग के घेराबंदी का विरोध करने लगे। बता दें कि आदिवासी समाज अपनी पुश्तैनी खेतिहार जमीन पर वन विभाग की घेराबंदी का विरोध कर रहा है। इसको लेकर स्थानीय निवासी बिरसा सोरे ने बताया कि करीब 50 एकड़ धान और गेहूं फसल वाली खेती की जमीन है, जिस पर वर्षों से रतनसार की आदिवासी जनजाति परिवार के लोग खेती करते आए हैं, लेकिन जेसीबी खुदाई और घेराबंदी की जानकारी मिलते ही ढोल नगाड़ा और पारंपरिक हथियारों से लैस आदिवासी समाज का पूरा परिवार खेत पर पहुंच गया। वहीं आक्रोशित आदिवासियों को देखकर वहां कार्य कर रहे कर्मी और जेसीबी ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से भाग खड़े हुए। मामले को लेकर रेंजर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि वन विभाग की जमीन पर पौधारोपण के लिए जेसीबी से ट्रेंच खोदा जा रहा है और पहले ही वन भूखंड के लिए 1 महीना तक सर्वेक्षण का कार्य भी किया गया था, लेकिन उस वक्त किसी ने भी आपत्ति या दावा नहीं किया था। मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल दरवाजा में एक व्यक्ति को हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। हमले में घायल व्यक्ति राजा प्रसाद ने बताया कि कुछ लोगों ने पहले उससे मारपीट कर बंदूक के बट से घायल कर दिया और बाद में पैसे की मांग करने लगे। इसी के साथ घायल ने कहा कि 10 से 12 की संख्या में अपराधियों ने उससे घर पर मारपीट कर उसे घर खाली करने को कहा और पैसे की भी मांग की। इधर इस मामले में अब तक पुलिस की तरफ से कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। हम वहाँ घर पर बैठे हुए थे तो उन्हें शरण विजय यादव आया, बोला रे मार से निकलो,
के लिए भैया काहे निकलेंगे, घर में राहत कैसे निकलेंगे। बोला निकलो मादा जो कह रहे हैं निकलो तुम। हाँ बस उलझ गया, बस सब मिल के बट से स्टार्ट कर दिया, फायरिंग तरिंग देना स्टार्ट कर दिया, पिस्तौल के बट। धोरैया स्थित अम्बेडकर मैदान में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच मंगलवार को खेला गया। फाइनल मैच में कुर्मा की टीम ने स्टूडेंट 11 धोरैया को 82 रन से पराजित किया। बता दें टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें कुर्मा और स्टूडेंट 11 धोरैया की टीम फाइनल में पहुंच सकी। क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में कुर्मा की टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 192 रन बनाया। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए स्टूडेंट 11 धोरैया की टीम ने 14 ओवरों में 110 रनों पर ऑल आउट हो गई। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुर्मा टीम के उज्जवल को दिया गया। वहीं फाइनल मैच में विजेता टीम को धोरैया मध्य क्षेत्र के जिला परिषद प्रत्याशी नीलकमल उर्फ बिट्टू यादव ने पुरस्कार वितरण किया। अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थियों की आई बाढ़, एक ही कॉलेज से 22 मुन्ना भाई हुए गिरफ्तार। दहेज लोभियों ने नवविवाहिता की पीट पीट कर की हत्या, मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर लगाया हत्या का आरोप, पति गिरफ्तार। गुमनाम चिट्ठी की जांच करने 3 सदस्य कमेटी पहुंची मुरारका कॉलेज, प्राचार्य ने कहा परेशान करने की रची जा रही है साजिश। अवैध संबंध का विरोध करना महिला को पड़ा महंगा, पति और जेठानी ने मिलकर की हत्या, परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। और ट्रक और हाईवा के बीच भीषण टक्कर में चालक की हुई मौत, नौगछिया NH31 पर हुआ हादसा। आज के बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।